नमस्कार दोस्तों, मैं खेमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे में पास और PTO जो होते हैं वो क्या होते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो रेलवे का PTO जो होता है उसको अप्लाई करने की प्रोसेस दिखाऊंगा। बहुत सारे मेरे नए साथी जो हैं रेलवे में ज्वाइन किए हैं, और जो पुराने साथी हैं जो यहाँ पर नहीं जानते हैं कि कैसे आजकल ऑनलाइन हम मोबाइल के माध्यम से पास और PTO बना सकते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के सारी जानकारी आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि पास और PTO में क्या फ़र्क है। देखिए, जब आप रेलवे में शुरुआत में भर्ती होते हैं लेवल वन यानी कि ग्रुप डी में, तो आपको एक पास मिलता है, प्रिविलेज पास एक मिलता है आपको, चार आपको मिलते हैं, चार फुल सेट आपको मिलते हैं आपको PTO, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंट है। देखिए, एक होता है हाफ सेट, एक होता है फुल सेट। अब फुल सेट का मतलब क्या है और हाफ सेट का मतलब क्या है? देखो, जैसे आपकी ज्वाइनिंग जिस स्टेशन पे है ना, उस स्टेशन लेकर आपका घर मान लीजिए, या किसी जो भी स्टेशन के बीच आप पास बनवाना चाहते हो, जो भी दो स्टेशन के बीच आप पास बनाना चाहते हो, अगर आपने फुल पास सेलेक्ट किया है, फुल सेट सेलेक्ट किया है, इसका मतलब है जाने का भी और आने का भी। लेकिन अगर आपने हाफ सेट सेलेक्ट किया है तो एक तरफा का ही आपका पास बनेगा या PTO बनेगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि या तो जाने का या फिर आने का, तो ये आपका डिफरेंट है फुल सेट में और हाफ सेट में। अब यहाँ पर बात करते हैं पास एंड PTO से दोनों में क्या डिफरेंट है। देखिए, पास जो मिलता है आपको एक फुल सेट मिलता है, यानी कि अब आप चाहें तो उस पास की मदद से आपके घर जाने का और आने का, मतलब एक बार बिना किसी शुल्क के, यानी कि एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, और आप उसकी मदद से टिकट बुक कर सकते हैं जो भी आपकी जो आपको जो दिया गया है। जैसे थर्ड एसी का मिलता है शुरुआत में, है ना, तो उसकी मदद से आप स्लीपर सेकंड क्लास का टिकट बुक कर सकते हैं और बिना कोई चार्ज दिए। ये आपका होता है पास का नियम। लेकिन आप PTO का उपयोग करते हैं तो PTO में क्या होता है दोस्तों, आपको 1/3 पैसा देना पड़ता है, जितने का भी टिकट है, है ना, तो 1/3 आपको पैसा देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 600 रुपये का टिकट है, तो आप मात्र 200 रुपये देकर PTO की मदद से आप यहाँ पर जो भी यात्रा है उसका टिकट यहाँ पर बुक कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमको चार फुल सेट PTO मिलते हैं, यानी कि 8 बार आप चाहें तो एक तरफा किसी भी दो स्टेशन के बीच टिकट बुक कर सकते हैं, जिनका भी नाम है, जैसे आपके फैमिली में जो भी आपके डिपेंडेंट है, आप हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो उन सब का आप यहां पर बना सकते हैं। चलिए, अब आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं, और फिर मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से आप पास या PTO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पास के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है किस प्रकार से पास यहां पर बनाते हैं, तो उसको आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं रेलवे की पाठशाला, और आप पीछे ले सकते हैं पास, है ना, तो ऑटोमेटिक मेरा वीडियो आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको PTO के बारे में पूरा यहाँ पर किस प्रकार से अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर पूरी जानकारी दे दूंगा। चलिए देखते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। अब मैंने आपके सामने गूगल क्रोम यहाँ पर खोल लिया है। अब देखिए, दो प्रकार से आप पास और PTO के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो आप HRMS जो ऐप है ना उसकी मदद से, या फिर गूगल क्रोम की मदद से। तो मैं गूगल क्रोम की मदद से करूँगा, क्योंकि HRMS ऐप जो है उस पर ज़्यादा ऑप्शन नहीं आते हैं, कई बार कुछ सर्वर का भी इश्यू होता है। तो मैंने आपके सामने गूगल क्रोम यहाँ पर खोल रखा है। आपको यहाँ आने के बाद आपको करना पड़ेगा HRMS गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पर HRMS सर्च करो गूगल के ऊपर, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक करना है, और HRMS की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे HRMS indianrailway.gov.in। तो यहाँ पर आने के बाद आपको आपकी जो HRMS ID है वो यहाँ पर लॉगिन करनी पड़ेगी। अब हो सकता है दोस्तों आपके पास HRMS ID आपको पता नहीं हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीड हेल्प फॉर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए, जैसे मैं नीड हेल्प फॉर लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपका जो PF नंबर होता है ना, है ना, PF नंबर वो यहाँ पर डालना है। तो जैसे आप अपना PF नंबर यहाँ पर डालोगे तो आपकी HRMS ID नीचे आपको दिखाई दे जाएगी, आपका पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा, है ना।
जो अब यहाँ पर ये चीज़ें खाली आ रही है ना, पूरी आपके सामने बढ़ जाएंगी। आपका HRM साइड आ जाएगा, नेम, डिपार्टमेंट, सब कुछ आपकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपनी जो, अगर आपके पास HRMS ID नहीं है तो यहाँ पर आप ये जानकारी इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपके सामने मेरी HRMS ID है उसे लॉगिन करके यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करोगे, यहाँ पर देखिए आपसे एक OTP यहाँ पर भेजा जाएगा। अब ये OTP है ना दोस्तों, एक बार भेजने के बाद ये लगभग एक सप्ताह के लिए वैलिड होता है। तो पहले मैंने 13 तारीख को यहाँ पर लॉगिन किया था, तो सेम OTP मेरे को डालना है। अगर वो OTP आपके पास नहीं है तो भी आप दोबारा से रीसेंट OTP के ऊपर क्लिक करके दोबारा OTP प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर OTP फिल कर दिया है, वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस प्रकार से आपका जो HRMS ऐप है ऑफिशियली यहाँ पर खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये एरो का निशान है इसके ऊपर क्लिक करना है, और एरो के ऊपर निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पास वर्जन 2.0 है ना, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए आपके पास 3-4 ऑप्शन आएंगे, वो कुछ इस प्रकार से होंगे। देखिए जैसे आपका अप्लाई फॉर ई पास, पहला तो ऑप्शन ये है कि आप PTO या ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, माई इशूड पासेज, जो भी आपने पास अब तक बनवाए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा, पास एंटरटेनमेंट आपका डिक्लेरेशन ये कर सकते हैं, और आपका नो जर्नी डिक्लेरेशन। अब देखिए यहाँ पर ना, अगर शुरुआत में आप फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पर HRMS ऐप पे आते हो ना, तो आपको एक डिक्लेरेशन यहाँ पर सबमिट करना होता है, तो वो मैं आपको पास वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं फिलहाल क्लिक करूँगा अप्लाई फॉर ई पास एंड EPTO। तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर न्यू विंडो यहाँ पर खुल के आ जाएगी आपके सामने। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला है फैमिली डिक्लेरेशन, दूसरा पास एंड PTO, तीसरा एंटाइटलमेंट, और तीसरा है आपका, चौथा है एप्लीकेशन लिस्ट। फैमिली डिक्लेरेशन में आप अपनी जो फैमिली है उसका डेटा यहाँ पर भर सकते हो कि कौन कौन से आपके फैमिली में डिपेंडेंट है, तो ये मैंने ऑलरेडी भर दिया है, बार बार नहीं मांगेगा। पास एंड PTO पे जाकर आप पास एंड PTO बनवा सकते हैं, ये फिलहाल अपने काम का नहीं है। और एप्लीकेशन लिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं कि आपने अब तक कितनी बार पास एंड PTO बनवाया है, तो उसका स्टेटस क्या है, बन गया या नहीं बना, तो उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, फैमिली डिक्लेरेशन पे, और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि योर फैमिली डिक्लेरेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, यानी कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है। अगर फिर भी आपको कुछ अपडेट करना है तो आपको री डिक्लेयर फैमिली को क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं पास एंड PTO के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे पास एंड PTO पे जाने के बाद आपको यहाँ पर बोलेगा सेलेक्ट टाइप ऑफ पास। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे किस प्रकार का पास आपको बनवाना है। तो एक होता है प्रिविलेज पास जिसको नॉर्मल पास बोलते हैं, एक होता है PTO जिसको बोलते हैं प्रिविलेज टिकट होल्डर। तो मैंने आपको पहले ही बताया दोनों में क्या डिफरेंट है। तो फिलहाल मैं PTO बुक करूँगा, तो PTO के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और गो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे गो के ऊपर क्लिक करोगे आपको बताएगा आपके पास कितने अवेलेबल हैं। तो देखिए मेरे पास टोटल 8 यहाँ पर थे है ना, टोटल 8 हाफ सेट थे, उनमें से मैंने 4 यहाँ पर यूज़ ले लिए हैं। तो यहाँ पर 4 बची हुई हैं, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो अप्लाई एंड व्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा न्यू एप्लीकेशन, यानी कि न्यू ऐप आपको न्यू एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, मतलब एक प्रकार से एक एप्लीकेशन भरा जाएगा, मतलब फॉर्म भरा जाएगा, उसको भरना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका बहुत सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा है ना, आपका जो भी डिटेल है, ज्वाइनिंग डेट है, आपका बेसिक पे है, कहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग है, आपका एड्रेस है, सब कुछ यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो काम की बात है, नीचे नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछेगा आउटवार्ड जर्नी डिटेल्स, यानी कि आपको जर्नी डिटेल भरनी है कि आप कहाँ से कहाँ के लिए PTO बनवाना चाहते हैं। तो जैसे मैं अपने घर से और मेरा जो स्टेशन है जहाँ पे मैं वर्क काम करता हूँ तो वहाँ पे मेरे को बनवाना है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर डालता हूँ। देखो इसमें आपको डालना है कोड आपके स्टेशन का, तो मैं डालता हूँ जवाई बांध का, वो आपका है JWB, ठीक है। तो ये मैं डालूँगा, और ये डालने के बाद स्टेशन डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये मतलब ऑटोमेटिक ले लेगा डिटेल्स ये, तो इसने ले लिया है, देखो ये डिटेल ले लिया है। तो और यहाँ पर आपको कहाँ के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ बांदीकुई BKI, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो ये मैंने डाला है BKI। और स्टेशन डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये मतलब वो ले लेगा, डेटा ले लेगा, तो इसने ऑटोमेटिक बांदीकुई जंक्शन ले लिया, बांदीकुई जंक्शन है यहाँ पर ले लिया, थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बांदीकुई जंक्शन हो गया।
ओके अब यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आपकी फैमिली के बारे में जानकारी मिलेगी कि आप पीटीओ के माध्यम से किस किस का बनवाना चाहते हो। तो फिलहाल मैं दोनों का बनवाना चाहता हूँ, अगर आप दोनों जाना चाहते हैं जो भी आपकी फैमिली में, अगर सारों के लिए सबके लिए बनवाना चाहते हैं सबके लिए क्लिक कर सकते हैं, अकेले का बनवाना तो अकेले के लिए। और यहाँ पर जाने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, सबमिट करना है। और ओनली जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो भी जो बाबू है उसके पास आपका जो ये जो पास है यहाँ पर चला जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं बनाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जैसे सबमिट करोगे ना ऑटोमेटिक आपके जो पास का जो क्लर्क है उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। चलिए मैं आपको फिलहाल करके ही दिखा देता हूँ। जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बोलेगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट द पीटीओ एप्लीकेशन, तो यस मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर बोलेगा कि आपका जो पास नंबर ये जो है यहाँ पर भेज दिया गया है पास क्लर्क के बाद। तो ये मेरे पास मैसेज भी आ गया है कि आपका जो पास क्लर्क है इसके पास इसका रिक्वेस्ट भेज दिया गया है। तो इस प्रकार से आप पीटीओ यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पीटीओ बनाने की प्रोसेस हो गई। अब आपके पास क्लर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब तक आपका ये क्लियर हो जाए। जनरली 1 से 2 दिन में ये आपका हो जाता है, अगर आपका ऑफिस का छुट्टी नहीं होता है तो ये आपका 1 से 2 दिन के अंदर ये आपका पास यहाँ पर बन जाता है। अब देखिए, अब इस जो पास है आपको पता कैसे लगेगा कि कहाँ पे बना है, तो देखिए यहाँ पे आपको आना है वापस से आपका जो ई पास 2.0 है यहाँ पे, और माई इशू पासेस के अंदर आप आएंगे तो आपका जब पास बन जाएगा तो आपको एक मैसेज भी आएगा और आप यहाँ आके भी देख सकते हैं। जैसे मैं आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो भी पास बना रखे हैं सबकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। जैसे ये बना रखा देखो, पहले BKIT MJ JWP, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार का आपका एक पास बनेगा। जैसे मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ तो ये इस प्रकार का पीटीओ यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये पास एंड पीटीओ जो है इस प्रकार का यहाँ पर बनेगा जो मैंने यहाँ पर बनवा लिया है। तो पहले मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आप पास एंड पीटीओ बना सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इस पास एंड पीटीओ के माध्यम से रेल टिकट कैसे बुक करें उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। अगर आपने जनरली पहले यहाँ पर पीटीओ से टिकट बुक नहीं किया है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ता है। अगर आपने पहले IRCTC से कभी भी टिकट बुक किया है तो भी आप कर सकते हैं। चलिए तो उसकी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपको कैसे आप पास एंड पीटीओ जो आपने बनाया है उसे टिकट कैसे बुक करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले IRCTC का आपके पास ऐप होना चाहिए या फिर वेबसाइट होनी चाहिए। तो देखिए ऐप में कई बार कुछ मेंटेनेंस के कारण या कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैंने अगेन यहाँ पर जो गूगल क्रोम है उसका इस्तेमाल किया है। तो आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्टेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना है कहाँ से कहाँ के लिए टिकट चाहिए। और ध्यान रखना है कि वही चीज़ आपको वही स्टेशन डालना है जो आपको पीटीओ में डाला है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ JWB से और यहाँ पर BKI मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो JWB और यहाँ पर BKI, तो मैं यहाँ पर करता हूँ BKI, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया है। ओके तो यहाँ पर हो गया है JWB से और BKI, तो यहाँ पर फिर से स्टेशन का कोड नहीं आया था। ओके तो ये बांदीकुई जंक्शन हो गया। ओके अब यहाँ पर आपको डेट यहाँ पर सेलेक्ट करने की, किस डेट के लिए आप यहाँ पर पीटीओ से टिकट बनाना चाहते हो। तो आप जैसे मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर जैसे रैंडमली कोई भी डेट डाल लिया, और ये डालने के बाद आपको नीचे आना है और आपको ध्यान रखना है आपको ये वाले जो आपका चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करना है, रेल पास कंसेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है ओके करके, और आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो भी अवेलेबल ट्रेन है यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, इसमें वेटिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक ही ट्रेन है तो यहाँ पर फिलहाल वेटिंग दिखाई दे रहा है। तो मैं फिलहाल वेटिंग को नज़रअंदाज करते हुए आपके सामने स्लीपर का यहाँ पर जो टिकट है यहाँ पर करके दिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके जब आप टिकट बुक करो तो वेटिंग नहीं हो। तो मैं तो आपको फिलहाल बता रहा हूँ जानकारी कि किस प्रकार से आपको टिकट करना है। जैसे मैं तो बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ, आई एग्री पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो IRCTC है इसका अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है और यहाँ आने के बाद देखो, अब देखो आपने अगर पहले कभी भी टिकट बुक किया है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पैसेंजर का नेम जो आपका पास एंड पीटीओ में है वो, एज बिल्कुल वो की वो ध्यान रखना। अगर एक अक्षर भी आपने गलत कर दिया आपका पीटीओ मान्य नहीं होगा। जो आपका स्पेलिंग है एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एज
जेंडर, आपकी जो भी आपकी नेशनलिटी है वो तो इंडिया ही होगी। और यहाँ पे आने के बाद आपको कंसेशन पे क्लिक करने के बाद आपको करना है पास बुकिंग के ऊपर। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें मांगेगा, दो चीज़ें क्या देखिए, एक तो आपसे मांगेगा पास नंबर और एक आपसे मांगेगा पास बुकिंग कोड। अब देखिए दोनों आपको कहाँ से मिलेंगे, तो देखो पास नंबर आपको मिलेगा, जैसे मैं आपको पास दिखा देता हूँ, जब इश्यू पास हो जाएगा ना तो आपको देखो पास खोल लेना है। तो जैसे आप देखेंगे कि आपका जो PTO है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा JWI से BKI, है ना, ये रहा देखो JWV से BKI, तो आपका ये है ना, ये पास नंबर वो ये रहेगा 1640598, ठीक है, और ये रहेगा, तो ये आपको डालना है। और एक आपसे बुकेगा बुकिंग कोड, तो वो आपको मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करने के बाद। जैसे आप ये जनरेट रिसेंट OTP है ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखे इस प्रकार से बोलेगा और जनरेट OTP, तो आपका जो पास नंबर है वो तो ये रहेगा, ठीक है, लेकिन जो आपका बुकिंग कोड आएगा वो यहाँ पर आप भेजेगा। तो जनरेट OTP ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको मैसेज एक OTP यहाँ पर आएगा, तो आपको थोड़ा वेट करना है, OTP यहाँ पर आ जाएगा। और देखो जैसे ये OTP आ गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे EGXF, ये जो है ना, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एक OTP आता है और उसको आपको क्या होता है, लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अभी जो कोड आया है ना मैसेज में शुरुआत में, उसको तो यहाँ पर लगाना है और ये आपका पास नंबर लगाना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आगे यहाँ पर प्रोसीड कर लेना है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं करना। अगर आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं और का भी करना है तो और का भी ऐड पैसेंजर करना है, और उनमें भी पास नंबर सेम यही भरना है, अलग अलग किसी का नहीं होता, वही भरना है। और आपका जो भी फीस का जो कंसेशन होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा, और डिटेल्स यहाँ पर भरने के बाद आपको जो बचा हुआ पेमेंट है यहाँ पर कर देना है। तो इस प्रकार से आपका टिकट है यहाँ पर PTO की मदद से मात्र 1/3 पैसे देकर बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का अदर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक कुछ रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।